हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ग्रो पॉइंट चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि मैंने खंड का करवाया था आपको, अब मैं आपको खंड खा को सॉल्व करवाऊंगी। इतिहास के प्रश्न उत्तर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या महत्व है? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, सारनाथ में धर्म की शिक्षा दी, कुशीनगर में मृत्यु हुई। प्रश्न नंबर 12, मगध के विस्तार में लोहे की क्या भूमिका थी? मगध में कृषि का कार्य बहुत तेजी से बढ़ा, इस कारण लोहे के औजार प्रयोग में लाए गए। प्रश्न नंबर 13, मनसबदारी से क्या तात्पर्य रहे? इस प्रथा को प्रारंभ किसने किया? मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ मुगल काल में हुआ, यह एक प्रशासनिक प्रणाली है। इस प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। प्रश्न नंबर 14, हीरिया नहर का विजयनगर साम्राज्य में क्या महत्व था? विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाकर पूरा किया और इसे हीरिया नदी के माध्यम से और राजधानियों में लेकर आया गया। प्रश्न नंबर 15, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस आधार पर किया? सन 1856 की बात है कि अवध का अधिकरण अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार नीति का तार्किक परिणाम था। इसमें कुशासन का आरोप लगाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया और अवध को ब्रिटिश से मिला दिया गया। ग्रो चैनल में देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।